हेलो एवरीवन। तो आज मैं लेके आई हूँ, मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। आपने शायद मेरी शॉर्ट वीडियो में देखा हो, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी चल रही है और मैं थर्ड ट्राइमेस्टर में चल रही हूँ। तो मैं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी कैसी रही। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और भी वीडियो मेरी देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल जाए। लेट्स गेट्स बिगिन। मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ऐसी रही थी तो मतलब कैसे, मतलब मुझे पता चला क्या हुआ। तो जैसे मेरे मैंने ना पहली बार कंसीव किया था, तो मुझे जैसे मेरी डेट थी 22 सितंबर थी, तो अब नेक्स्ट मेरी अक्टूबर को आती। तो मैंने ना सोचा था कि इस बार भी आ जाएगी, तो एक दो दिन ऊपर हुआ था तो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि मैंने कंसीव कर रखा है। लेकिन यही था कि मेरे ना शुरू से ही थोड़ा मतलब एक दो दिन बढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैंने वही सोच के मैं बैठी थी कि कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो और अगर प्रेगनेंसी होती तो मैंने फिर मतलब वेट किया उस चीज़ का कि मैंने मतलब आ ही जाएगा 2-3 दिन में, मैं तो यही सोच रही थी। और फिर क्या हुआ, तो मुझे 3-4 दिन हो गए, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो मैंने उनसे बोला कि मेरा पीरियड मिस हो गया है। तो उन्होंने बोला तो चेक कर ले। तो मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, शायद मुझे लग रहा है 4-5 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। फिर उसी के बाद ग्रहण भी आने वाला था, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ग्रहण आ जाए। और हमारे यहाँ पे ये है कि ग्रहण में हमें बहुत चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 26 को, आई थिंक 26 को ही मैंने टेस्ट किया प्रेगनेंसी से। तो मैंने देखा तो शाम को किया था, तो उसमें प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। मतलब मैं भी बहुत खुश हुई थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए थे। और फिर हमने जब तक किसी को बताया नहीं, बिकॉज़ नाइट की बात थी तो हमने नहीं बताया। फिर हमने सोचा कि सुबह बताएंगे, तो मैंने इनकी मम्मी को पहले बताया, फिर अपने घर भी फ़ोन किया था, अपनी दीदी को बताया। फिर उसके बाद मेरी दीदी ने तुरंत मुझे कंसल्ट किया कि तू सबसे पहले डॉक्टर के पास जा। मैंने कहा नहीं, 10-15 दिन देख लेते हैं उसके बाद जाते हैं। नहीं, दीदी बोली नहीं नहीं अभी जा तू। तो बिकॉज़ मैं इसीलिए गई क्योंकि मेरी दीदी की जर्नी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा टफ रही थी। तो मतलब मिसकैरेज वगैरह का वो प्रॉब्लम रहा था, तो उसी वजह से मेरी दीदी ने मेरे से बोला कि नहीं सबसे पहले तू डॉक्टर के पास जा। तो मैं फिर इसी वजह से डॉक्टर के पास गई। तो हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने वही किट वगैरह मांगी हमसे। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हमने दे दी। और उन्होंने बोला हाँ पॉजिटिव है, तो उन्होंने हमें 10 डेज़ की मेडिसिन दे दी। फिर हमसे बोला था नेक्स्ट 10 डेज़ बाद आना है। तो हम फिर गए, तो उसके बाद हम मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड ना मेरा थोड़ा ऐसा ही हुआ था जिससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई थी, बिकॉज़ उन्होंने ना क्या किया था कि अल्ट्रासाउंड कर लिया था अच्छे तरीके से, और लेकिन मुझे हार्ट बीट वगैरह कुछ भी नहीं सुनाया ना दिखाया मुझे। तो मैंने पूछा डॉक्टर सब सब ठीक है, तो डॉक्टर बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर लेकिन फिर भी मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे क्यों नहीं बताया, क्या बात है, कोई गलती तो नहीं हो गई, कुछ हुआ तो नहीं, हार्ट बीट ना आई हो। लेकिन डॉक्टर बोली हाँ हार्ट बीट आ गई है। तो फिर मेरे माइंड में ये भी आया कि डॉक्टर हमसे झूठ क्यों बोलेगी। तो फिर थोड़ा माइंड में ठीक किया, फिर भी मैंने अपनी दीदी को कॉल किया। दीदी बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं, हार्ट बीट आ गई होगी इसीलिए। और फिर हमारी डॉक्टर ने भी ये बोला था नेक्स्ट जो होगा ना तब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तब आपको दिखाएंगे। तो मैंने उसी पे मतलब सब्र कर लिया, क्योंकि दीदी मेरी 1 साल पहले ही मतलब बेबी हुआ है उनके, तो उससे मुझे पता था कि हार्ट बीट वगैरह सुनाते हैं ये है वो है। तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि हम घर आ गए, मम्मी बोली, मैंने कहा मेरा तो मूड ख़राब हो रहा है ये वो, तब सबने समझाया तो मैं समझ गई। फिर मतलब फिर हम नेक्स्ट में जो गए थे ना, 2.5 मंथ पे मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। तो उस अल्ट्रासाउंड से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश हुई, बिकॉज़ जो बेबी था ना वो पूरा बन चुका था, जिससे मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना बन जाएगा। मैं जानती भी नहीं हूँ कि मतलब 2.5 पे वो पूरा बन जाता है। तो मैंने अपनी मम्मी वगैरह को सबको बताया, सासू माँ को बताया, तो सब बोले हाँ बन जाता है। मेरी मम्मी ने भी यही बोला कि बन जाता है।
तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगा ये, तो बहुत मतलब 2-3 दिन तक उसी के बारे में बात करते रहे, मेरे से ज़्यादा भी उसके बारे में बात करें, बिकॉज़ उन्होंने एकदम क्लियरिटी से देखा था। हम तो लेटे होते हैं तो हमें इतना क्लियरिटी से दिखता नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश हुई थी उसको देख के। और फिर मतलब थोड़ा पहले नेगेटिव थिंकिंग मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थी, फिर मेरी थोड़ी ठीक ठीक होती गई उसी मतलब जैसे वो अल्ट्रासाउंड के बाद। पहले ही दिन जब मुझे पता चला था मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मैं ना ऐसे चलने लग गई जैसे अभी से ही सब कुछ होने लग गया मतलब, और सोने भी ऐसे लग गई थी स्ट्रेट एकदम, और बहुत चीज़ें थी मतलब। फिर मुझे थोड़ी थोड़ी दिन बाद पता चलता रहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सो, थोड़ा रिलैक्स होके सो और उसी में ठीक रहेगा। उस टाइम में से हम जानते ही नहीं हैं क्या कैसे करना है वो ना, जैसे मेरा और भी जैसे क्या मैंने खाया था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कैसे किया था मैनेज, तो मैं उसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, बिकॉज मुझे ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं करनी है, बस इतनी ही बनानी है, और मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी। तो मेरा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने बताया, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं ऐसी वीडियो जरूर आती रहूँगी। सो बाय, टेक केयर।